माशरा मुझे गाली समझता है। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड की शादी थी, मैं कमरे में जाने लगी हूँ तो उसकी मदर ने मुझे वहाँ पे रोक दिया, निकाह होने वाले नहुसत का साया पड़ेगा। आई एम ब्यूटिफुल, आई बिलोंग टू अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड फैमिली, आई एम स्ट्रांग, आई एम वेल एजुकेटेड। नहुसत का साया, क्योंकि एक आदमी ने मुझे तलाक दे दी। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 21। मेरा जो बेबी है वो हुआ एट द एज ऑफ 22। बाई 22 एंड हाफ आई वॉज डिवोर्स। बचपन से हम बड़े होते हैं ना, तो हमारे एक ही फोकस हमारे पेरेंट्स ने लगाया हुआ होता है कि जी शादी करनी है, शादी होनी है। हमारी जात जो है डायरेक्ट एसोसिएट हो जाती है शादी होने से। शादी मकसद नहीं है, शादी एक स्टेप पे जिंदगी गुजारने में जो आपके साथ हो जाता है। हमारी सोसाइटी में फुकदान है इस चीज का कि अपने आप को तरजीह दी जाए। माँ बाप नहीं सिखाते अपने आप को तरजीह देना, तो हम ऐसे रिश्तों ऐसे सिचुएशंस में फंसे रहते हैं कि जो हमें तकलीफ दे रहे हैं, जो हमें डिस्ट्रॉय करते। मैं अपने 7th सेमेस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी में थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हर कोई जानता था कि उस यूनिवर्सिटी में 7th सेमेस्टर बैचलर्स कि ये एक तलाक याफ्ता औरत है। मेरे लिए ये था कि मैं अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगी, मेरे बच्चे की तरबियत सही हो रही है, क्योंकि हर उंगली मेरी तरफ उठेगी कि इसकी तरबियत, अगर कुछ भी गलत करते हैं कि इसकी तरबियत इसकी माँ ने की है। इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली चीज़ों को देखना थोड़ा सा वक्त लगता है। मैं अपनी फर्स्ट जॉब में गई थी, वहाँ पे मैं काम कर रही थी, मुझे चलते फिरते आदमी कहते थे ये देखो बिरयानी की प्लेट है। इस मुआशरे में फेस करती हूँ लोगों की गंदी नज़रें, लोगों की हंसी अपने ऊपर, कोई इंसान ये डिज़र्व नहीं करता। तकलीफ, ताने, मनहूस कहलाए जाना, कोई ये डिज़र्व नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी तलाक हो गई है। मार्केट में रिजेक्टेड माल को बिकने में क्या इश्यूज फेस होते हैं? सस्ते में मिल जाए बेहतरीन है, महंगे में नहीं चलेगा। एक्सेप्टेंस के लिए जब उसको कोई अप्रोच करता है तो समझती है कि वाकई में ये बंदा मेरे साथ मुखलिस है। और मर्द जो है इस कमज़ोरी को, औरत की कमज़ोरी मोहब्बत की जो ज़रूरत होता है उसको मैनिपुलेट करता है। एंड में जो प्रॉब्लम होता है वो खाली अम्मा अब्बा का होता है, नहीं हो सकती, क्योंकि अम्मा ने कहा तलाक याफ्ता औरत से शादी नहीं की। अम्मा के माइंड में ये ख्याल कैसे आया? तलाक कोई सजा नहीं है। किसने कहा कि तलाक याफ्ता औरत खुश नहीं रह सकती? देर इज नो लिंक बिटवीन डिवोर्स एंड हैप्पीनेस। द लिंक बिटवीन हैप्पीनेस इज माई परसेप्शन ऑफ दिस लाइफ। औरतों को बिल्कुल इस बात का एहसास हो चुका है कि उनको मर्द के लिए, मर्द की फॉर्म में सिर्फ एक पार्टनर की ज़रूरत है। वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हैं, वो खुश भी रह सकती हैं, उनको सपोर्ट चाहिए कि वो बंदा दूसरा जो टेबल पे और क्या ला रहा है।